अंकिता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कल अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ले ली है। समारोह के दौरान हिंसा के अंदेशों को देखते हुए संसद परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन कार्यक्रम में कोई विघ्न नहीं पड़ा। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को नया पद संभालने के लिए बधाई भी दी है। मेहमान भले ही कम थे, अमेरिका जैसे देश के लिहाज से समारोह का रुआब भी कम ही था, लेकिन 78 साल के बाइडेन की ऊर्जा और सादगी के आगे सारी कमी सारी कसर दूर हो गई। कोरोना की दहशत और ट्रंप समर्थकों के उपद्रव की परछाई में बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। That I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. सादगी पूर्ण समारोह में बाइडेन की खुश मिजाजी और गर्म जोशी की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। उनका पहला संदेश सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम था। ये बात अनुभवी बाइडेन भी समझ रहे थे, लिहाजा उनका पहला वादा यही रहा कि 6 जनवरी की घटना को अमेरिका की राह का रोड़ा नहीं बनने देंगे। That democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. Please raise your right hand and repeat. बाइडेन से पहले कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो ये पद संभालने वाली न सिर्फ पहली महिला हैं, बल्कि एशियाई मूल की भी पहली शख्स हैं। सब जानते हैं कि उनका ननिहाल भारत के तमिलनाडु में है, इसीलिए जब अमेरिका में वो शपथ ले रही थी तो तमिलनाडु के तुलासेंद्रपुरम गांव के लोग टीवी पर टकटकी लगाए गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कई परंपराएं टूटी। मसलन निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप समारोह से दूर रहे, व्हाइट हाउस से भी पहले ही निकल गए, लेकिन ओबामा, बुश और क्लिंटन जैसे पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को बधाई देने जरूर पहुंचे। सीमित मेहमानों और छोटे कार्यक्रम के बावजूद अमेरिका स्टार लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने अपनी पेशकश के जरिए अमेरिका में नए दौर का इस्तकबाल भारत ने भी किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए जो बाइडेन को बधाई। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए बधाई। ये ऐतिहासिक क्षण है। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए कमला हैरिस से चर्चा के लिए उत्सुक हूं। भारत अमेरिका के मजबूत संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, ये बात अमेरिका में बढ़ते भारतीयों के महत्व का सबूत तो है ही, दोनों देशों के संबंधों के भविष्य के लिहाज से भी ये बेहद अहम है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर समाधान की एक किरण दिखनी शुरू हो गई है। कल की बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि नए कानूनों पर करीब 1.5 साल तक रोक लगाई जा सकती है। इस दौरान एक कमेटी बनाकर आपत्तियों पर चर्चा कर ली जाए और कमेटी का जो भी सुझाव हो उसे लागू किया जाए। किसान इस प्रस्ताव को लेकर थोड़ी उम्मीद किसानों ने जताई है, लेकिन किसानों का आखिरी फैसला आज होगा। दिन में किसान मोर्चा की बैठक होगी, इसके बाद कल यानी कि 22 जनवरी को किसान फिर से सरकार से मिलेंगे। यानी कि लगभग 1.5 साल के लिए इसे रोक दिया जाएगा, नए कृषि कानून को, जिसको लेकर ये बवाल है। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है, क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी
हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। ऐसा मीटिंग था, एटमॉस्फेयर ठीक था। जी जी। सरकार जब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा है पुराना हाल से, मालूम पड़ता है सरकार कुछ आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इंगित दिया है। जी जी। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए कल चर्चा करेंगे। हालांकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान अब भी अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कल भी कोई आदेश जारी नहीं किया, लिहाजा अब सारा दारोमदार किसानों और दिल्ली पुलिस पर। राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर जैसे आपने टैंकों को चलते देखा होगा, क्या दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को ठीक वैसे ही ट्रैक्टर दौड़ेंगे? गणतंत्र दिवस परेड से पहले सैन्य बलों का रिहर्सल, क्या ठीक वैसी ही तैयारी ट्रैक्टर परेड की भी हो रही है? गणतंत्र दिवस के पर्व पर आप देश का शौर्य देखेंगे तो क्या किसानों की राष्ट्रभक्ति वाली झांकी भी दिखेगी? किसान संगठनों ने पूर्व फौजियों की मदद से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आप पूर्व फौजियों की जुबानी आगे का प्लान सुनिए। शांतिपूर्व आंदोलन चल रहा है जो कि राष्ट्र के लिए चल रहा है, तो यहाँ लगा सकता है, लेकिन इसको उन्होंने वो कर दिया कि नहीं ये आंदोलन है, तो हमने निकाल दिया। क्योंकि कल तक लगा रहे थे। हाँ, कल तक लगाया था, लेकिन हमारे पास भी लेटर एक ने भेजा था, तो मैं बोला कोई बात नहीं, हम सभी को बताएंगे, मेटल से हमारी पहचान नहीं है, पूरे सैनिक सारे आएंगे, पूरी जनता आएगी, तो इसको हम देश को बचा पाएंगे, मेडल तो बचाएंगे नहीं। ट्रैक्टर परेड से ठीक पहले किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे पूर्व फौजियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने नियम याद दिलाए। सेना के रिटायर्ड जवानों को निर्देश दिए कि वर्दी पहनकर मेडल लगाकर प्रदर्शन में न जाएं। ऐसे एक्शन पर पूर्व फौजी सवाल उठा रहे हैं। मैं एक सवाल सरकार पे करना चाहता हूं, उन जो अफसर शाही पे जो इन्होंने निकाला है, क्योंकि मैटर सैनिक का, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस से हूं, लेकिन जब वो किसी डिबेट में बैठ के, किसी स्टूडियो में बैठ के मेडल लगा के चर्चा करते जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े मूछों वाले, तमाम तमगे वाले, तो वहां क्यों लगाते हैं? क्या गणतंत्र दिवस होता है? क्या वैसी कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष की बात करते हुए नजर आते हैं? जैसे तेज बहादुर मुद्दे पर जीडी बख्शी साहब ने कहा था सरकार का पक्ष रखा था, तो वो मेडल का वहाँ क्या काम? देश का किसान और सेना के पूर्व जवान आर पार की लड़ाई को तैयार। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ट्रैक्टर परेड को लेकर तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि ट्रैक्टर परेड में सुप्रीम बाधा दूर हो गई। हम आपको ट्रैक्टर परेड की एक एक डिटेल बताएं, उससे पहले ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सुन लीजिए। किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की दलील काम नहीं आई। किसान संगठनों के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को किसानों का प्लान बताया। किसान आउटर रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। इस दौरान शांति भंग की कोशिश नहीं की जाएगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ी बात समझे तो कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल थ्रू दिल्ली पुलिस चाह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी रोक लगा दे जिससे कि ट्रैक्टर ना आए अंदर, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए, कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे, इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करें। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की ट्रैक्टर परेड की कानूनी बाधा 50% दूर हो गई है। 50% अब दिल्ली पुलिस के निर्णय पर निर्भर होगी। हालांकि किसान संगठनों का दावा है लाखों ट्रैक्टर कूच कर चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर परेड खलल डालेगी। इसका काउंटर प्लान किसान संगठनों ने खोज लिया है। राजपथ को इस समय सजाया जा रहा है एक भव्य गणतंत्र दिवस परेड के लिए।
26 जनवरी को देश की आन बान और शान को दर्शाते हुए एक भव्य परेड निकाली जाएगी। ठीक उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी कुछ भूतपूर्व सैनिकों की मदद से उसी तर्ज पर एक रैली निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें झांकियों को भी दर्शाया जाएगा और उस किसान ट्रैक्टर रैली में भूतपूर्व सैनिक पंजाब और हरियाणा के भी भाग ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर परेड की रूपरेखा और पूरा ब्लूप्रिंट सेना के पूर्व अफसरों की अगुवाई में तैयार किया गया है। यानी सेना के ऐसे पूर्व अफसरों से किसान संगठनों ने संपर्क किया, मदद ली, जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुके हैं या फिर उन्हें परेड का अनुभव है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में ट्रैक्टर परेड का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। सेना के पूर्व अफसरों ने परेड का खाका खींचा, रोड पर ट्रैक्टर के मूवमेंट का रूट मैप बनाया, ट्रैक्टर परेड से पहले रिहर्सल का प्लान बताया। किसान संगठनों से दिल्ली पुलिस ने मीटिंग की थी। मीटिंग में तर्क दिया था कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना हो सकती है। इसी आशंका को दूर करने के लिए सेना के पूर्व फौजियों की मदद ली गई। अभी किसानों के ट्रैक्टर परेड का रूट फाइनल नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर परेड का नजारा कैसा होगा ये प्लान तैयार समझिए। आगे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पर तिरंगे झंडे होंगे और ट्रैक्टर के पीछे ट्रालियों में झांकियां होंगी। ये झांकियां कृषि कानूनों से किसानों को आने वाली दिक्कतों पर आधारित होंगी। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य और सामरिक शक्ति के बाद सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया जाता है अलग अलग झांकियों में। वो झांकियां ट्रैक्टर और ट्रॉलीज पर होती हैं। उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी ये विचार कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तीनों किसान कानूनों से किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी झांकी भी निकाली जाएगी। इसके लिए सेना के भूतपूर्व सैनिकों की मदद भी ली जा रही है कि किस तरह से कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी और कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों का परिवार दर्शाएंगे, उन्हें नए कानूनों से क्या आपत्तियां। गणतंत्र दिवस पर राजपथ जैसे शक्ति पथ बन जाता है, राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां निकलती हैं, ठीक वैसे ही किसान संगठन अपने ट्रैक्टर परेड में अलग अलग झांकियां निकालेंगे। अलग अलग राज्यों के किसान अपनी पीड़ा को झांकियों के माध्यम से दर्शाएंगे। 1965 की लड़ाई लड़ चुके पूर्व फौजियों में हिम्मत और हौसले की कमी नहीं। सेना में आप कभी सैनिक रहे हैं? हाँ जी, हमने 1965 की लड़ाई लड़ी है। आपने 1965 की लड़ाई लड़ी? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो सरकार करी, आपको भी मेडल मिला होगा? हमें 1965 की लड़ाई लड़ी है और गवर्नमेंट जो है ये देख लो हमारे से न्याय बेन्याय कर रही है। आप जो हमारी 75 साल की उम्र हो गई है, अब हमारे भाई बहन जितने हैं ये सड़कों पर रो रहे हैं, ठंडी हवा में कितनी मौत हो गई है, कितना यहाँ ये कभी अतवादी कह रहे हैं, कभी वक्वादी कह रहे हैं, हमें कितना देशद्रोही कह रहे हैं। बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंच चुके हैं। आज आयोग की कई बैठकें हैं जिसमें बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त आज ही तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बंगाल में चुनावी हिंसा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। बंगाल में सत्ता परिवर्तन की आस लिए बीजेपी बड़ा अभियान चलाने जा रही है। 5 फरवरी से पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया है। करीब 10 साल पहले ममता ने जो नारा बंगाल में बुलंद किया था, आज वही नारा उनके खिलाफ बीजेपी का चुनावी घोष बनने जा रहा है। परिवर्तन, जी हाँ, बंगाल में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब लिए बीजेपी इसी नारे के साथ अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देने को तैयार है। पूरे बंगाल में इसी नाम से बीजेपी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का खाका भी तैयार है और तारीख भी तय है। 5 फरवरी से बंगाल में शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रथ यात्रा का शुभारंभ। रथ यात्रा बंगाल की सभी 294 सीटों से होकर गुजरेगी। रथ यात्रा की कमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता संभालेंगे।
यात्रा के दौरान लोगों के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा से पहले 30 से 31 जनवरी को अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। प्रतीकों की राजनीति में बीजेपी ने ममता को मात देने की और भी तैयारियां की हैं। दो दिन बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के लिए खुद पीएम मोदी बंगाल में होंगे। हालांकि शुरुआत और पहले हो चुकी है, जब अमित शाह ने शांति निकेतन और फिर बंगाल के आदिवासी इलाकों का दौरा किया था। जो महापुरुष राजनीति में वोट का जरिया बन रहे हैं, उनकी मूर्तियों पर पीठ पीछे कुछ लोग हथौड़े भी चला रहे हैं। मिदनापुर में एक स्कूल में यही हुआ। তৃণমূলের কালচার মনীষীদেরকে সম্মান দিচ্ছেন না, এটা তৃণমূলের কালচার। তৃণমূলের কখনো কেউ বলছে না যে বাংলার গর্ব নেতাজি সুভাষ, বাংলার গর্ব রাসবিহারী বসু, বাংলার গর্ব মমতা ব্যানার্জি, ওনারা বলছে তৃণমূল। এটা পুরোপুরি তৃণমূলই ভেঙেছে হয়তো। হিংসা কা নিশানা সিফ মূর্তিয়া নহি বল্কি এক দূসরে কে কার্যকর্তা ভি বন রহে হ্যায়। মারপিট পত্থরবাজি তো বঙ্গাল মে হর চুনাবি র্যালি কা হিসা বন গই হ্যায়। कोलकाता में टीएमसी की एक रैली में तो गोली मार देने का नारा लगने लगा। शुभेंदु अधिकारी बोले छे जे नंदी ग्रामे जदी মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় के 50,000 वोटे ना हाराते पारी ताले राजनीति छेड़े देबो। তার উত্তর দিতে আমি যাচ্ছি খেজুরি। যদি 1,00,000 ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততে না পারে, আমরা হাতের পাঞ্জা কেটে দেব। সড়কো পর বাহুবল কা খেল হ্যায় তো পর্দে কে পিছে সিয়াসত কা পুরানা খেল ভি পুরে জোরো পর হ্যায়। কল টিএমসি কে এক অর বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্য নে ভগবা ঝন্ডা উঠা লিয়া। কহা যা রহা হ্যায় কি 30 জনবরী কো অমিত শাহ কে দৌরে মে এসে কই নেতাওঁ কি কতার লগনে ওয়ালি হ্যায়। कोलकाता से मनोज लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।